वेलकम बैक टू माय चैनल। तब ये सुबह हो चुकी है और यहाँ पे दादी है, यहाँ पे बुआ है और वहाँ पे मम्मा है, वहाँ पे आरव है। सुनाया काजू है, सुनाया पता नहीं, और बाकी बाहर है भैया को सो गया। रेडी हो चुकी है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं एंड दिन हो चुकी है ना, ब्रेकफास्ट भी कर लिया गंदी मक्खी के साथ। और अभी हाँ वो बाद में लाऊंगी, पहले मैं आपको यहाँ पे आज फर्स्ट नवरात्र है तो हैप्पी नवरात्र। पंडित जी आ रखे हैं, हेलो हेलो। अच्छा तो क्या लेके आओ? ये कौन से पत्ते हैं? ये आम के पत्ते हैं, ये वो पान के पत्ते हैं, ये है सुपारी। सुपारी ये कलश के अंदर डाला जाएगा। सुपारी क्या होता है? सुपारी ये भगवान को चढ़ता है, ये सुपारी ही होता है, ये एक पेड़ से निकलने वाला फल है ये। और ये नारियल है, नारियल में हमने 20 रुपए बांधा। और ये माता की चुन्नी है, ये माता जी के कलश के लिए। ये वाली चुन्नी तो जब बांधते हैं ना, जब कंजक होती है। हाँ ये भी कंजक, तो बाद में कंजक ही तो बैठाना है ना, इसी नारियल को तोड़ के फिर कंजकों को खिलाएंगे ना। ये नारियल ठीक है। और ये कहाँ पे स्थापित करते हैं? और ये यहाँ इस पत्ते स्थापित करेंगे, ये आपके सामने माता रानी की आज्ञा पाने के लिए, माता रानी की कृपा पाने के लिए आपके घर में हम कलश स्थापना घट स्थापना कर रहे हैं। इसको बोलते हैं घट भी, ठीक है? आपको समझ आई? हाँ जी। मुझे तो आगे समझ आए। ये क्या है मम्मा? मम्मा ये क्या है? इसमें डाल दीजिए। जो क्या है? जो डाल दीजिए। जो है थोड़ा सा चावल है, साबुत चावल। साबुत चावल चावल चाहिए। इसे कहते हैं घट स्थापित स्थापना। घट स्थापना वो कलश वहाँ पे रखते हैं। एक दाना एक दाना चावल का।
ये क्या बना कलश के में? कलश में स्वस्तिक बना। स्वस्तिक स्वस्तिक क्या होता है? जो ऐसे हो। स्वस्तिक का मतलब क्या होता है बताइए? पता नहीं। स्वस्तिक का मतलब है सुख शांति का प्रतीक, ठीक है? भगवान के लिए सुख शांति का प्रतीक है प्रभु स्वस्तिक। सुख शांति2000 years later. मेरे खाने में शक्ल। चूरा। गैस खाने का ढंग नहीं से कहते ना कि इसे। भैया आपका शक्ल दिख चुकी है। और ओ बेटी।
फेस का। एक ना हेयर क्लिप लगा दी इसने। मुझे पता भी नहीं क्या क्या करा। क्यों चमक रही है? क्योंकि ना मैंने फ्लैश लाइट चला रखी है, क्योंकि ना लाइट चली है। आज के लोग यही पेंट कर दिया। आई होप आपने एंजॉय करो, एंजॉय करो, लाइक करो, चैनल में हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, मिलेंगे जल्दी न्यू ब्लॉग में।